आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में मौसम का पूर्वानुमान, दो दिनों का 19 अगस्त शनिवार और 20 अगस्त रविवार का मौसम का अनुमान, किस तरह का मौसम का मिजाज रह सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। महेश रावलानी के द्वारा मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं। 18 और 19 अगस्त की दरमियानी रात जिले भर में बारिश होने की संभावना है। वैसे भी मौसम विभाग का एक अलर्ट था जो 19 तारीख को सुबह तक के लिए था और रात में बारिश झमाझम होती हुई यहाँ आपको नज़र आ सकती है। सुबह 5-6 बजे तक भी बारिश हो सकती है और सुबह 10 बजे तक भी बूंदाबांदी के आसार नज़र आ रहे हैं। 1 बजे के बाद एक बार फिर बारिश तेज हो सकती है जो शाम 6-7 बजे के बाद भी जारी रह सकती है। रात 12 बजे तक बूंदाबांदी की संभावनाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। 20 अगस्त को मौसम रात में कुछ खुला रहने की उम्मीद, सुबह से हल्की फुल्की बूंदाबांदी, दोपहर 2 बजे तक बूंदाबांदी की संभावनाएं, शाम के 4-5 बजे के बाद मौसम खुलने की संभावना और रात 12 बजे तक मौसम खुला रह सकता है, जिस तरीके का पूर्वानुमान मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताया गया है। अब हम आपको इसके उपरांत बिजली की कड़कन और तड़कन के बारे में बताते हैं। 18 और 19 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग जिले भर में कहीं कहीं बिजली चमकने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई। सुबह 5 बजे के लगभग बरघाट, कानीवाड़ा, सिवनी, यहां पर कड़कन भी सुनाई दे सकती है। बिजली की चमक तो दिखाई दे सकती है, इसके साथ आवाज़ भी आपको सुनाई दे सकती है। 8-9 बजे के लगभग इसके बाद कुरई खवासा क्षेत्र में कहीं कहीं बिजली चमकने की उम्मीद और 1 बजे के बाद केवलारी के आसपास बिजली की गर्जना हल्की फुल्की तेज रह सकती है, बाकी जगह चमकती हुई दिखाई दे सकती है। शाम 5 बजे के लगभग लखनऊ के आसपास बिजली की गर्जना थोड़ी सी तेज सुनाई दे सकती है, शेष जगह बिजली चमकने की संभावना है। और उसके उपरांत रात के समय हल्की फुल्की बिजली 12 बजे तक कहीं कहीं चमकती हुई दिखाई दे सकती है। इसके उपरांत सुबह तक 20 तारीख को रविवार को दिन में कहीं भी बिजली की चमकने की संभावनाएं मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा नहीं बताई गई है। रात को 10-11 बजे 12 बजे रात तक अर्थात 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग बिजली की कड़कन तड़कन शायद ही सुनाई दे पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा उनके जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अब इसके बाद हम आपको जो बताने जा रहे तापमान के बारे में हम बताते हैं। 18 और 19 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग जिले भर में 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 19 अगस्त को सुबह 5 बजे के लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 10 बजे के लगभग हल्की फुल्की उमस के साथ तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों ने बताई है। 2 बजे दिन में तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है और 6 बजे शाम को 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच जिले भर में तापमान रहने की उम्मीद। रात 9 बजे के लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। रात 12 बजे 19 और 20 शनिवार और रविवार की दरमियानी रात 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। रविवार 20 अगस्त को सुबह 5 बजे के लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 20 अगस्त को सुबह 9 बजे के लगभग 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है, उमस हल्की फुल्की उसके बाद बढ़ सकती है। 2 बजे दिन में तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और उमस हल्की सी और बढ़ सकती है मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार। 5 बजे शाम को 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान जिले भर में रह सकता है। रात 9 बजे के लगभग तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद और 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। अब हम इसके उपरांत आपको हवाओं की दिशा और गति के बारे में बताते हैं। रात 12 बजे 18 और 19 अगस्त की दरमियानी रात उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हवाओं में थोड़ी सी गति रह सकती है, गति बहुत ज़्यादा रहने की उम्मीद नहीं। 2 बजे के लगभग हवाएं और हल्की फुल्की तेज गति से चल सकती हैं, अर्थात दरख्त के पत्ते और ध्वजाएं आपको लहराती हुई दिख सकती हैं। सुबह
पाँच छः बजे के लगभग, आठ बजे के लगभग फिर एक बार हवाएं हल्की फुल्की तेज़ चल सकती हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद नहीं। दो बजे के बाद हवाएं लगभग थमी सी नज़र आ सकती हैं। ये थमी हवाएं रात में 12 बजे तक भी थमी रह सकती हैं और एक दो बजे के बाद अर्थात 20 तारीख को दो बजे के बाद हल्की फुल्की हवाएं चलने के साथ ही सुबह 8 बजे रविवार को सुबह 8 बजे के बाद हवाओं की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होने के साथ ही हवाएं हल्की फुल्की चल सकती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपको बता दें कि महेश रावलानी के द्वारा अब तक जितने भी मौसम के पूर्वानुमान दिए गए हैं मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से वे 95 से 99% तक सही साबित होते आए हैं। मौसम का पूर्वानुमान आने वाले दो दिनों का लेकर एक बार फिर हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।